छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे, इसकी तेज पहचान और तत्काल इलाज शुरू कर स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। अभी बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगाने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि मरीजों के बढ़ने पर लॉकडाउन का फैसला भी लिया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आपात समीक्षा की। सीएम निवास में हुई बैठक में जिलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। फिलहाल सीएम ने विभागीय अधिकारियों को इलाज और नियंत्रण की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगाने की भी निर्देश दिए हैं। और इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, पूरे जो दुनिया में देखे जा रहा है और देश में जहाँ जहाँ हो रहे हैं। एक सर्दी खांसी बुखार जैसे जो लक्षण है इसमें, तो उस प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन उस प्रकार से घातक नहीं है जो पहले और दूसरी लहर में थी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी दो या तीन मौतें हुई है, तो जो पहले पहले पीड़ित थे कोरोना से उनकी मौतें हुई है। लेकिन इसे ओमिक्रॉन से हमारे यहाँ तभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके जांच के लिए भारत सरकार ने जो हमको सेंटर दिया वो भुवनेश्वर है, उड़ीसा में हम सैंपल भेजते हैं, वहाँ से अभी तक की छत्तीसगढ़ से कोई पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन पूरे देश भर में फैल रहा है, और जिस प्रकार से दिल्ली में, मुंबई में, अन्य राज्यों में जो देखने को हमको मिल रहा है, जिस तेजी से फैल रहा है, हम लोगों में सचेत रहने की आवश्यकता है। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर।